कबीरवाला एसपी पेट्रोलिंग पुलिस मुल्तान की खसूसी हदायत पर पेट्रोलिंग पुलिस चौकी पुल बागड़ का मेन जंग रोड पर नाजायज तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। पेट्रोलिंग पुलिस पुल बागड़ के मेन जंग रोड पर अड्डा पुल बागड़ में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन, रोड किनारे तमाम रुकावटें खत्म करवा दी। इंचार्ज पेट्रोलिंग पुलिस चौकी पुल बागड़ के इंचार्ज मेहर खजर हयात लुधियाना और इसकी मुकम्मल टीम ने चंद रोज में रोड किनारे तमाम रुकावटें खत्म करने के लिए पुरअजम। इस मौके पर मेहर खजर हयात का कहना था कि रोड किनारे तजावजात का खात्मा अवलीन तरजीह, नाजायज तजावजात की वजह से मुतद हादसात रोनुमा होते हैं और कई कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। मुसाफरों इलाका मकीनों ने पेट्रोलिंग पुलिस के इस इकदाम को सराहा। तर्जमान पुलिस माडल टाउन डिवीज़न लाहौर 20 फरवरी 2021 12 साल बच्ची से ज्यादती का मामला, काना पुलिस को फौरी एक्शन, मुबीना मुलजिम गिरफ्तार। बच्ची को डॉक्टरी मुआयने के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मजीद तहकीकात शुरू। SHO कहना इंस्पेक्टर हमाद। DIG ऑपरेशन साजिद क्यानी की जानिब से काना पुलिस को शाबाश, मासूम बच्चों के साथ ज्यादती करने वालों से आईनी हाथों निपटा जाएगा। SP माडल टाउन दोस्त मोहम्मद। शेखुपुरा सदर सर्कल में गुज़िश्ता 1 माह से मंशियार फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। जराइम पेशा अफराद ने मसाजिद में जाकर लोगों के सामने मंशियात फरोशी की तायब होना शुरू कर दिया। शेखुपुरा DPO गुलाम मुबशर मैकन की हदायत के मुताबिक सदर सर्कल शेखुपुरा पुलिस ने गुज़िश्ता 1 माह से समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ मुसलसल जारी रखी हुई हैं, जिसमें खास तौर पर SHO सदर फारूक अब्बास, सरफराज यूसफ और SHO थाना पक्की तलत महमूद ने मंशियार फरोशों और रिकार्ड याफ्तागान पर रेड रेड किए और दर्जनों अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई। इस कार्रवाई में भारी मकदार में मंशियात और असला बरामद किया गया, जिसमें कलेक्शन स्कोप 19 अदद, पिस्टल 71 अदद, बंदूक 19 अदद और मंशियात 23 किलो, 830 ग्राम और 285 लीटर शराब बरामद की गई। पुलिस की मुसलसल कोशिशों को सिविल सोसाइटी और मौजिजीन ने सराहा, जिसके बाद जुराइम पेशा नाजर और मंशियात फरोशों ने भी मसाजिद में जाकर मंशियात फरोशी के कभी जुर्म से तौबा की और आइंदा ऐसे जुर्म ना करने का अहद करने के साथ साथ पुलिस की जुर्म अफराद के खिलाफ मदद करने का ऐलान किया। क्राइम फाइटर DSP सदर सर्कल इमरान अब्बास चिधर ने कहा है कि शरीफ शहरियों और कानून पर अमल दरामद करने वाले अफराद की इज्जत का ख्याल रखा जाएगा, मगर जुर्म पेशा नासर के खिलाफ हर सूरत कानूनी कार्रवाई जारी की जाएगी। कसूर भट्टी अस्पताल में इलाज करवाएं, बजरिया इंसाफ सेहत कार्ड हर किस्म का इलाज मुफ्त किया जाएगा। कसूर भट्टी अस्पताल में पेशा वराना अंदाज के साथ कसूर की आवाम की खिदमत के लिए भट्टी बरादरान का बड़ा कदम। नए स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट डॉक्टर, ज्यादा प्रोफेशनल स्टाफ और इंतजामिया के साथ दोबारा नए जज्बे के साथ आवाम की खिदमत के लिए एक कदम और आगे। कसूर भट्टी अस्पताल 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस और एम्बुलेंस की सहूलत के साथ। कसूर भट्टी अस्पताल में सब किस्म की सर्जरियों का इंतजाम बहुत ही आला, डॉक्टर और नए मैनेजमेंट के साथ भट्टी अस्पताल दोबारा से ऑर्गेनाइजर हो गया है। हाफिजाबाद पुलिस की जुर्म पेशा अफराद के खिलाफ जबरदस्त कारकर्दगी, मोटरसाइकिल चोर गैंग और मंशियात फरोश गिरफ्तार। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे आतिफ चट्टा से। आजी DPO हाफिजाबाद डॉक्टर जवान अहमद खान के जुर्म पेशा नासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अहकाम के साथ वाकया नजर आ रहे हैं। कुछ रोज कबल DPO हाफिजाबाद डॉक्टर जवान अहमद खान ने तमाम अफसरान को जुर्म पेशा नासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अहकाम जारी किए थे। पुलिस थाना हाफिजाबाद जो है वो जुर्म की रोकथाम के लिए काफ़ी मुतहरक नजर आ रही है। थाना सिटी पुलिस हाफिजाबाद ने एक मोटरसाइकिल चोर गैंग गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान अतीक और वकास शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मोटरसाइकिलें चोरी करने का एतराफ कर चुके हैं। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से 4 मोटरसाइकिलें चोरीशुदा बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एक दूसरी कार्रवाई के दौरान थाना काली की मंडी पुलिस ने एक मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मंशियात फरोश दानियाल बाबर इलाके में शराब सप्लाई करता था। पुलिस के मुताबिक 105 बोतलें शराब बरामद करके मुलजम दानियाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मजीद तफ्तीश का सिलसिला भी जारी है। आतिफ चट्टा, 47 न्यूज़, हाफिजाबाद। लाहौर पुलिस जुर्म पेशा नासर के खिलाफ मुतहरिक, काना पुलिस की कार्रवाई, मोटरसाइकिल चोर गैंग गिरफ्तार। गिरफ्तार मुलजमान में शहजाद और वकास शामिल, मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मजीद तफ्तीश शुरू। गिरफ्तार मुलजमान से 4 मोटरसाइकिलें, मोबाइल फोन, असला बरामद। SHO और काना इंस्पेक्टर हमाद अख्तर। मुलजमान के दौरान तफ्तीश मुतद वारदातों का एतराफ। SP मॉडल टाउन दोस्त मोहम्मद की SHO और काना और इनकी टीम को शाबाश, क्राइम कंट्रोल करना अवलीन तरजीहत में शामिल है। SP मॉडल टाउन दोस्त मोहम्मद।
थाना रायविन चौकी बाईपास पुलिस कार्रवाई, शराब फरोश इफ्तार उर्फ अस्ती गिरफ्तार। मुलजम के कब्जे से भारी मकदार में देसी शराब बरामद। मुलजम रायविन के इलाके में शराब फरोख करता था। मुलजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मजीद तहकीकत जारी। शराब फरोशों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ जारी हैं। एस पी सदर हफीज रहमान बगटी। हमें कश्मीर की ख्वाहिश नहीं बस रोशनी की है, हमें तश्हीर की ख्वाहिश नहीं बस रोशनी की है। किसी को मत बताना कि ये दिए हमने जलाए। नौशहरावर का के नवाही इलाका नथुसविया में शाइंग स्टार स्कूल की सालाना तकरीब तकसीम इनामात के हवाले से प्रोग्राम का इनकाद किया गया, जिसमें मारूफ माहिर तालीम सर शाहिद इमरान ने कहा है कि तालीम एक ऐसा जेवर है जिसकी चमक दमक कभी कम नहीं होती। हम बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए इन्हें बेहतरीन तालीम मुहैया करने के लिए कोशिश है। इस मौके पर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड आने वाले बच्चों में इनामात तकसीम किए गए। शाइनिंग स्टार स्कूल के होनहार बच्चों ने तकारीर की, मिले नगमे गाए और मुख्तलिफ टेबलों पर पेश किए। आखिर में स्कूल प्रिंसिपल स्टाफ ने कहा है कि तालीम हमारे मुआशरे की तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। तेरे